हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो एक्सरसाइज 7.3 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों, साथ ही साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दी जा चुकी है पीडीएफ नोट्स की, तो बहरहाल उस पर क्लिक अभी मत करिए, क्योंकि अभी अपना नोट्स क्लियर कर लीजिए फिर हम क्लिक करवाते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन है, और ये भी बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करवाएंगे, जो कि वेरी इजी मेथड होगा। बहरहाल इसके पहले आप सब कुछ पढ़ चुके हो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट, ध्यान देके बने रहेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जस्ट दिया जा चुका है, हूज वर्टिसेस, आपके वर्टिसेस भी होते हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यूज दी गई हैं, वैल्यू दी गई हैं, वैल्यू फाइंड हो गई हैं। टेकिंग इन आर्डर आर फला 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 ने, यानी कि सब कुछ दिया जा चुका है, एक ही वैल्यू दिया जा चुका है, बी सी डी समथिंग समथिंग ले सकते हैं। तो हम एक टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बना लिए बच्चों। उसके बाद हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बनाने के बाद, ए की वैल्यू 4, -2, बी की -3, -5, सी की 3, -2 एंड डी की 2, 3। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट, हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया क्या है, तो बताएंगे कि द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हूज वर्टिसेस, यानी कि लेट ए की वैल्यू -4, -2, बी की है -3, -5, सी के हुआ 3, -2 एंड डी की दिया गया है बच्चों 2, 3 डुग, है ना। बी द वर्टिसेस ऑफ द, बी द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए बी सी डी, आपका ए बी सी डी हम मान लिए हैं बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है, जो कि ए बी सी डी की ये वैल्यू है और ये वर्टिसेस हैं किसके, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के। अब नाउ हम करते हैं, आपको पता है जैसा कि वी नो दैट, हमें कंफर्म है, वी नो दैट क्या पता है, माइंड में कुछ आ रहा होगा, क्या पता है मैम को, क्या पता है आप लोगों को भी पता है बच्चों, कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी इक्वल टू आपका होगा क्या, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कहने का मतलब है जब आप क्वाड्रिलेटरल निकालते हो वो भी किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो बच्चों एक बार फिर से देख लेंगे, ये देख रहे हैं आप, लिख क्या देंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी डी हम लिए हैं, ई एफ जी एच आई जे के एल आप ले लीजिए, एम एन ओ पी ले लीजिए, क्यू आर एस टी ले लीजिए, मुष्टि मत ले लीजिए कि एस टी ले लेने, ओके। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी होगा क्या बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लेंगे ए बी सी प्लस, ये क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल इसलिए इसमें ट्राइंगल है, तो एंगल कुछ भी नहीं लगा, ये आपका एंगल, तीन एंगल है इसलिए ट्राइंगल लग गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, कहने का मतलब ए बी सी एक टाइप्स का एक ट्राइंगल हो गया, फिर ए सी डी ये हो गया। अब ना हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ए बी सी निकाल लेते हैं, फिर एरिया ऑफ ए सी डी दोनों निकाल करके हम ले आ करके इसमें पुटअप कर देंगे, वैल्यू आपकी फाइंड हो गई, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारी मिल गई। तो हम करेंगे क्या, इसे हम बना लेते हैं फार्मूला, ये हमारा हुआ फार्मूला, ये आपका हो गया फार्मूला, फार्मूलाज हो गए हमारे, अंडरस्टूड, यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। सबसे पहले आप फार्मूला नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको फार्मूले में कंफर्मटेबली न हुए तो आपके सारे के सारे प्रोसेस गलत माने जाएंगे। अब हम करते हैं नाउ फर्स्ट स्टेप, माने से बात नहीं, जो जो हम लिख रहे हैं वही वही लिखना है एग्जाम में, लेकिन आपको रूल टू रूल तो चलना ही है बच्चों। फर्स्ट स्टेप में एरिया ऑफ हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फार्मूला क्या होता है, हाफ एक्स वन
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बस हो गया। इक्वल टू जीरो नहीं करना है क्या, क्योंकि एक कोलिनियर तो है नहीं। अब हम देखेंगे a b c, वी नो दैट हमें गिवन क्या किया जा चुका है, पॉइंट्स हम लिख लेंगे गिवन। ए इक्वल टू दिया गया है माइनस फोर कामा माइनस टू, जो कि यक्स वन वाई वन के इक्वल हम ले लेंगे। बी इक्वल टू दिया गया है माइनस थ्री माइनस फाइव, जो कि हम यक्स टू वाई टू के इक्वल ले लेंगे। एंड सी आफ्टर दैट हमारा दिया गया है थ्री कामा माइनस टू, जो कि हम यक्स थ्री वाई थ्री के पार्ट में ले लेते हैं। अब नाउ हम लेट्स गेट स्टार्ट फॉर फॉर्मूलिंग स्टार्टेज। अब स्टार्ट हम करते हैं होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हम करेंगे क्या, हाफ हाफ हो गया। एक्स वन की वैल्यू देख रहे हैं माइनस फोर है, फिर हम देख लेते हैं वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू की वैल्यू हमारी माइनस फाइव है, तो हम माजिल ब्रैकेट यानी कि मिडिल ब्रैकेट से लगाते हैं, माइनस फाइव हो गया, चलिए वाई टू की वैल्यू हमारी हो गई। फिर माइनस बीच में है, फिर वाई थ्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, वाई थ्री की वैल्यू माइनस टू है, ये भी माइनस टू है, चलिए ब्रेकेट्स क्लोज हुआ, यहाँ तक हो गया। अब हम यक्स टू की बात कर लेते हैं, यक्स टू भी हमारा माइनस थ्री है, प्लस माइनस थ्री हो गया। अब वाई टू की वैल्यू कितना होगा, वाई टू की वैल्यू माइनस फाइव है, माइनस फाइव हो गया, बीच में माइनस है, सॉरी सॉरी एक सेकेंड एक सेकेंड, यक्स टू, यक्स टू की वैल्यू माइनस थ्री हो गई, चलिए फिर वाई थ्री हमें लेना है, वाई थ्री तो माइनस टू होगा, ये माइनस टू हो गया, वाई थ्री हो गई हमारी। फिर हम ले लेते हैं वाई वन, वाई वन हमारा किस में है, माइनस टू में, तो ये हो जाता है माइनस टू। फिर हम एक्स थ्री की वैल्यू ले लेते हैं बच्चों, एक्स थ्री की वैल्यू प्लस थ्री में है। फिर हम लेते हैं वाई वन, वाई वन हमारा ये रहा माइनस टू, तो ये हो जाता है मार्जिला ब्रैकेट माइनस टू, बीच में माइनस है ही। फिर वाई टू की वैल्यू ले लेते हैं, वाई टू हमारा माइनस फाइव है, माइनस फाइव, मार्जिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट्स को ध्यान में रखिए, जो भी आप लिटिल यानी कि स्मॉल भी कह सकते हैं लिटिल को, उसके बाद मिडिल एंड फिर आप ले लेते हैं लॉन्ग, जो भी ब्रेकेट्स ओपन करते हैं उसे तो क्लोज तो होना ही होना है, तो उसे ध्यान दे करके आप बंद कर देंगे, वरना पता लगे ओपन किए आफ्टर दैट लास्ट में भूल गए, तो ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कन्फर्म हो। अब हम आगे के पोजिशंस में ले लेते हैं हाफ, यहाँ तक कन्फर्म हो चुका। अब हम लिखेंगे बच्चों माइनस फोर है तो माइनस फोर, ये माइनस फाइव है, माइनस माइनस प्लस टू हो गया, पहला सॉल्व हुआ, प्लस माइनस माइनस थ्री हो गया। अब ये माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू प्लस थ्री, ये हुआ माइनस टू माइनस माइनस प्लस फाइव, पहला ही लाइन थोड़ा सा आपको पड़ेगा हार्ड और कुछ नहीं, माइनस प्लस के वैल्यू आप कंफर्म ये भी नोट में करेंगे, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस यानी कि प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये अगर आपको नोट रहेगा ये कि चारों के चारों पोजीशन, तो आपको कहीं भी बिल्कुल भी आपके रॉन्गनेस मेथड होने ही वाले नहीं है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, आगे वन बाई टू हो गया, माइनस फोर कर दिए, सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस थ्री आ गया, फिर माइनस थ्री, ये तो सारा का सारा पोजीशंस कैंसिल हो गया, प्लस थ्री ये आ गया थ्री, जब ये पोजीशन जीरो हो गया निल बचा, तो हाफ कर दिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस में हो गया, चाहते हैं बारह, ये जीरो से मतलब ही नहीं है, जीरो आ गया, प्लस तीन त्रिक्का नौ, ये बचा हाफ, ट्वेल्व प्लस नाइन वन बाई टू, ये हो गया इक्कीस, ट्वेंटी वन, इम्प्लाइज दैट 21 बाई टू स्क्वायर यूनिट ए एन, यस इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन फाइव। कहने का मतलब है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाती है 21 बाई टू स्क्वायर यूनिट, तो ऐसे ही बने रहेंगे बच्चों। हम निकालते हैं, हमें तो पता हो गया एरिया ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू हमें कंफर्म हो गया है 21 बाई टू स्क्वायर यूनिट,
ये ध्यान में रखेंगे। अब ना हम निकालते क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू हमें फाइंड करना है एसीडी। तो ऐसे ही बने रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर हम बताते हैं ट्रायंगल एसीडी की वैल्यू। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं हम अपना एरिया ऑफ एसीडी की। तो सेकेंड स्टेप डालेंगे क्या, सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप के पोजीशंस में हम आ जाते हैं, निकालेंगे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी इक्वल टू हाफ, लिखेंगे वही फार्मूला एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस, याद आपको भी हो जा गया होगा, आई गेस आपको याद हो गया होगा ये फार्मूला, और कुछ नहीं रटा मानने को, ये नहीं है रटा मानने, एरिया ऑफ ए बी सी 21 by 2 पता लगे टीचर्स, माइनस फोर माइनस टू के प्लेस पे क्या रख दिए, माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन या फिर माइनस फाइव, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। आपके बोर्ड में भी बच्चों ऐसे होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हूज वर्टिस इज टेकन इन ऑर्डर, इतना सब कुछ दिया रहेगा इतना, लेकिन ये जो वैल्यू है सेम नहीं दी रहती है कभी भी, यानी कि 5% है कि वैल्यू सेम दिया रहता है, बट उसी के इसी के आधार पे हमें लगाना होता है। इसलिए हम बच्चों करते हैं सवाल मत रट्टा मारिए, आप इक्वेशंस बाय इक्वेशंस, फार्मूला बाय फार्मूला, स्टेप बाय स्टेप, रूल बाय रूल, जो कुछ भी है उस पर ध्यान दीजिए, आपको सॉल्व करने के तरीके आने चाहिए, फार्मूलाज आपके सारे तैयार होने चाहिए, स्टेप आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, कैसे क्या मेथड क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो बार पढ़ो चार बार पढ़ो उसे समझने की कोशिश करिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है बच्चों तो निश्चित है, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको होता है कि 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको कहते हैं हम मान लेते हैं ए डबल पी एल ई एप्पल दिया गया है, जब यही नहीं आप ए पी या लिए इसी में नहीं पढ़ पा रहे हो कि क्या इसमें आपके स्वर हैं क्या व्यंजन हैं आपके क्या वोवेल है क्या कंसोनेंट, कुछ कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा है बच्चों, तो आप निकालोगे कैसे, ऐड कैसे करोगे कि क्या चीज़ है, जब वही नहीं जानोगे इसकी मीनिंग क्या हो जानोगे कि सेब होता है कि आम होता है। कोई बता दिए चलो भैया आम है, हाँ हाँ आम है, नहीं केला है, क्यों कहते हैं आम, मान लेते हैं इमली। तो कहने का मतलब है बच्चों तो वैल्यूज़ आपके सब कुछ चेंज हो जाएंगे, तो ये मत घर से रटा मारिए करिए यही सॉल्व हो रहा, अरे ऐसे सॉल्व हुआ था हम तो 21 by 2 के प्लेस पे क्या रख दिए 30 हमारा आ गया, अरे उससे मत डरिए, वैल्यू भी आपकी चेंजेस हो जाते हैं, सब कुछ यही रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अभी जो हम सॉल्व किए वो नियम आप जानिए बच्चों तो आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं, होगा क्या एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री, ये हो जाता है वाई वन माइनस वाई टू। चलिए अब जो कि गिवन पॉइंट्स दिया जा चुका है, गिवन पॉइंट्स में हम ए सी डी निकालते हैं, तो ए इक्वल टू हमारा दिया गया माइनस फोर माइनस टू जो कि यक्स वन वाई वन के पक्ष में हम ले लेते हैं, सी इक्वल टू दिया गया है थ्री कामा माइनस टू जो कि यक्स टू वाई टू ले लिए, एंड डी दिया गया है बच्चों 2, 3 जो कि हम ले लेते हैं यक्स 3 एंड वाई 3। ऐसा हम क्यों लिख के बता रहे हैं बच्चों, आपको ऐसा अगर कंफ्यूज हो जाएगा बट यहाँ पे अगर आप प्लेस पे बगल में लिखे भी रहेंगे गिवन पॉइंट्स जो कि ऑलरेडी डाल देंगे, ये हमारा है गिवन पॉइंट्स, तो एग्जामिनर भी समझेगा कि आपके गिवन पॉइंट्स बताए हैं भैया, ये बेचारा गिवन पॉइंट्स भी लिखा है और आपको रफ में करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, गिवन पॉइंट्स भी हो जाएगा और आपका बगल में काम भी बन जाएगा। ओके तो आइडिया अपनाइए, साइंस पढ़ रहे हो बच्चों। तो आगे देखेंगे एरिया ऑफ एसीडी करेंगे क्या, हाफ एक्स वन की वैल्यू चलिए हम चेक कर लेते हैं होता क्या है माइनस फोर है, फिर वाई टू की वैल्यू हम देखते हैं वाई टू माइनस टू है तो मजले ब्रैकेट में हम इसे करते हैं माइनस टू, बीच में माइनस है, वाई थ्री की वैल्यू हमें थ्री मिल गया है, ये ब्रेकेट्स क्लोज हो गए, यक्स टू की वैल्यू हमें थ्री में प्लस में है, फिर वाई थ्री की वैल्यू हमें माइनस थ्री सॉरी थ्री, फिर हम लेते हैं वाई वन की वैल्यू, वाई वन हमारा कहाँ है ये माइनस टू, ये हो जाता है ऑलरेडी आपका माइनस है ही बीच में, वाई वन की वैल्यू हमारी होती है माइनस टू क्लोज हुआ, फिर यक्स थ्री की वैल्यू देखेंगे एक एक पॉइंट देखेंगे बच्चों, यक्स थ्री की वैल्यू हमारी टू आ गई पॉजिटिव में, वाई वन की वैल्यू हम देखते हैं वाई वन माइनस टू आया है तो इसे माइनस टू कर लिए, बीच में माइनस माइनस वाई टू की वैल्यू हमारी माइनस टू आ जाती है, तो ये मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज, हाफ इसे करेंगे ये हो गया माइनस फोर, कहने का मतलब यही पोजीशन जो है आपके लिए थोड़ा
थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा बच्चों, लेकिन जब आपको फार्मूला कन्फर्म होगा तो कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं होने वाला है बच्चों। तो करेंगे क्या, हाफ माइनस फोर कर लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस फाइव हो जाएगा, साइनिंग बड़ी है, प्लस थ्री हो गया, माइनस फोर ले लिए, फाइव हो गया थ्री, ये हुआ थ्री, माइनस माइनस प्लस, सॉरी हम तो ऐड कर दिए डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हुआ टू, प्लस टू ये करेंगे माइनस टू, माइनस माइनस प्लस टू। ओके तो आपके आगे के पोजीशंस में वन बाई टू प्रोसेस होगा, माइनस माइनस प्लस पाँच बीस हो गया, प्लस थ्री तीन दो पाँच, प्लस टू ये सारा सारा निल हो गया, ये हो गया बच्चों वन बाई टू, ट्वेंटी प्लस पाँच पंद्रह प्लस जीरो, तो इसका मतलब हुआ वन बाई टू, ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन जब ऐड होगा तो वन बाय टू ये हो जाएगा ट्वेंटी प्लस थर्टी फाइव बाई टू इक्वल टू थर्टी फाइव बाई टू स्क्वायर यूनिट, ये हमारा मेथड आ जाता है सेकेंड प्रोसेस। करें मतलब एरिया ऑफ ए सी डी की वैल्यू हमारी आ जाती है थर्टी फाइव बाई टू स्क्वायर यूनिट। तो आपको कन्फर्म है हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना था, क्या कि यही फार्मूला तो यही था ना कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, रखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, यही तो था। तो बाई फार्मूला करेंगे क्या, ये है बाई फार्मूला, बाई फार्मूला के अकॉर्डिंग है ये प्रोसेस यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके समझ में आ गया ये बाई फार्मूला से। अब एरिया ऑफ ए बी सी हमें कंफर्म है, ए बी सी हमारा 21 बाई टू है, 21 बाई टू प्लस ये हो जाता है 35 बाई टू, सॉल्व करेंगे बच्चों ये टू हुआ तो 35 21 आ जाता है, पाँच अच्छा तीन दो पाँच छप्पन, तो ये हो जाता है छप्पन। तो जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे दो दूनी चार दो आठ सोलह, तो यह आ जाता है 28 स्क्वायर यूनिट। करना कुछ भी नहीं था, आपका ए एन यस आ गया, कन्फर्म। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे बच्चों करना कुछ नहीं था, सिर्फ तो सिर्फ फोर वैल्यू क्वाड्रिलेटरल की दिया गया था और पूछा क्या गया था इसमें वर्टिसेस उसके आपको बताने क्या थे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इसमें से आपको क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना था जो कि उसके वर्टिसेस दिए जा चुके थे। और हमें वी नो दैट हमें पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ए बी सी ए सी डी हम निकाल लिए, जो कि एरिया हाफ ऑफ का किसी का ट्राइंगल फार्मूला होता है हाफ एक्स वन वाई टू वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री वाई वन एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये फार्मूला इसी के अकॉर्डिंग हम दोनों निकाल के दोनों को ऐड कर दिए, हमारा 28 स्क्वायर यूनिट आ गया बच्चों। तो बने रहेंगे इसी के साथ, हम क्वेश्चन नंबर फाइव भी लेकर के आएंगे, लेकिन बड़ा ही ईजी मेथड, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी मेथड है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका फाइव रहा, इसके पहले वाले जस्ट में आप क्वेश्चन नंबर फोर पढ़े हैं। फाइव है, यू हैव स्टडाइड, आप पढ़ चुके हैं, वो भी किसमें, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, एक भी बार आपको एक भी मेथड में प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए हो गया स्क्रीन शॉट। अब देखेंगे कि यू हैव स्टडाइड इन क्लास नाइन्थ, जबकि आप बहरहाल पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की, लेकिन ये दो है क्लास नाइन्थ का, वो भी कितनी अच्छी बात है, संयोग के बाद क्लास नाइन चैप्टर नाइन, यही एग्जाम्पल भी नाइन होना चाहिए था। दैट ए मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है यानी कि ए बी सी एक तो ट्राइंगल बना हुआ है जो कि एक मीडियन मीडियन मिड पॉइंट है, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स टू इक्वल एरियाज, हमें यही ले आना है कि ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी, एरिया ऑफ ए बी सी सॉरी ए बी डी एंड एरिया ऑफ ए बी सॉरी ए डी सी, इन दोनों को आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं ये दोनों ट्राइंगल, तो वही हमें ले आना है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ए बी सी हूज वर्टिसेस आर, और ये भी हमें फाइंड करना है कि ए बी सी ट्राइंगल का आपका रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों, जो कि आप वर्टिसेस ए की वैल्यू फोर का माइनस सिक्स, बी की वैल्यू थ्री का माइनस टू एंड
सी की वैल्यू 5.2 दिया जा चुका है। तो ना हम एक ट्रायंगल बना लिए ए बी सी जिसका मिड पॉइंट ए डी हो चुका है। तो हम लिखेंगे क्या कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट मतलब समझते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट होता है भैया मध्य बिंदु। ओके, तो मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का मिड पॉइंट डी है, तो इसलिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जब ए बी सी का मिड पॉइंट ए डी आपका हो चुका है तो डी हमारा मिड पॉइंट किसका किसका होगा, ए बी सॉरी बी सी का, यानी कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का मिड पॉइंट डी हो गया, फिर बी सी का भी हमारा मिड पॉइंट डी होगा। देन कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ ही चुके हो, कोऑर्डिनेट्स बच्चे चल ही रहा है, चैप्टर 7 का नाम ही है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी इज गिवन बाय फार्मूला, गिवन बाय फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या है, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जब m1 m2 हमारा हो जाता है तो उसे हम लिखते क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y बाई y2 बाई 2। यहाँ तक कन्फर्म हो चुका क्योंकि m1 m2 की वैल्यू तो हम 1-1 रख चुके हैं, यहाँ तक कन्फर्म हो गया बच्चों। अब हम जस्ट रख देते हैं b एंड c, यानी कि d की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, इसे x2 y2 ले लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। होगा क्या, x1 y2 यानी कि 3 प्लस 5 बाई 2 कामा y1 बाई 2 माइनस 2 प्लस 2 बाई 2, ये मेथड होता है, ये हो जाता है 8/2 कामा 0/2, ये मेथड हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट होगा 4 इसका कामा 0। तो d की वैल्यू हमारी आ जाती है, d इक्वल टू, ये फार्मूला d की है, तो d की वैल्यू बच्चों आ जाता है हमारा 4.0। फाइंड कर चुके हैं d की वैल्यू 4.0। अब नाउ जब हमें, क्योंकि हमें इक्वल क्या करना था बच्चों कि यू हैव स्टडाइड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, इतना तो आपको ऑलरेडी बताया गया दैट मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स, मीडियन हमारा डी हो गया जो कि डिवाइड करता है इट इंटू टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में वो भी ऑफ इक्वल एरियाज, उनके एरिया कैसे वो इक्वल हों, यानी मतलब ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। और हम जब जान गए ए सी डी इन सब कुछ करना है तो डी डी कॉमन आ रहा है, डी डी नेशनल तो ऑलरेडी कॉमन आने वाले हैं। तो डी की जब तक वैल्यू फाइंड नहीं होगी बच्चों हम निकालेंगे कैसे, डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये सब प्रोसेस अपना लिए, सक्सर फार्मूला, ये x1 y1 ले लिए, x2, जबकि आप कहेंगे m1 m2 भी लगता है तो वो m1 m2 का वैल्यू हम ये 1-1 रखेंगे तब भी मल्टीप्लाई 1 से होगा, वही सेम प्रोसेस आएगा। अब जस्ट हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डी सी, तो देखते क्या है नाउ फर्स्ट स्टेप की बारी है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी इक्वल टू हाफ यक्स वन, फार्मूला होता है बच्चों वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये आपका फार्मूला, डी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, इतना मिटा दिया जाए, चलिए ठीक, इतना सब कन्फर्म हो जाता है। हमें पता है कि ए डी सी में, इन ट्राइंगल ए डी सी में ए इक्वल टू डी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, हमें क्या क्या कन्फर्म है, ए इक्वल टू 4.-6, डी इक्वल टू 4.0 एंड सी इक्वल टू हमें पता है 5.2, जो कि ये होता है यक्स वन वाई वन के पक्ष में, ये होता है यक्स टू वाई टू एंड ये हो गया हमारा यक्स थ्री वाई थ्री। अब नाउ हम सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। इम्प्लाइज दैट हाफ कर लिए, यक्स वन की वैल्यू देख लेते हैं हमारा 4 है, फिर हम y2 की वैल्यू देखते हैं, y2 0 माइनस 20 में लगा दिया, y3 की वैल्यू हमारी बच्चों 2 है प्लस x2 की वैल्यू हम देख लेते हैं 4 एंड y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू हमारे 2 हुआ एंड y1 की वैल्यू हम देख लेते हैं माइनस 6 है, तो मजला ब्रेकेट फटाक से लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस 6 कर देते हैं, मजला ब्रेकेट आपका क्लोज हुआ।
ठीक से नहीं बना है ना, चलिए अच्छे से बना देते हैं। ये हो गया प्लस x3 की वैल्यू हम देख लेते हैं 5 एंड y1 की वैल्यू हम फिर से देखते हैं माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स लगाएंगे बीच में माइनस है, y2 की वैल्यू देखेंगे 0, तो ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो अब आगे हाफ लगा देंगे 4, 0 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ये तो माइनस 2 ही रहेगा, प्लस 4 ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 6, प्लस 5 माइनस 6, 0 से मतलब ही नहीं है। इम्प्लाइज दैट हाफ हुआ, 4 दूनी 8 माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4, 6 प्लस 2 8 हो गया, प्लस माइनस 30 बचे, 56 30। इम्प्लाइज दैट हाफ माइनस 8 प्लस 8 चौक 32 माइनस 30 इक्वल टू 0, कुछ नहीं मतलब है, 1 बाई 2 आ गया। अब हमें निकालना है 32, 38 में 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 माइनस 30 38 ऐड कर दिए, ये बच जाता है 1 बाई 2 बचेगा 6 आ गया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे तो माइनस 3 ये आ जाता है माइनस 3। जब इसे मॉड में रखते हैं, कोई भी वैल्यू आती है जब उसे मॉड में रखा जाता है तो उसे वो पॉजिटिव आ जाती है, नेगेटिव तो एरिया होती है ये, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव बच्चों होती नहीं है, इसलिए हम इसे मॉड में रखते हैं। इसे बोलते क्या हैं, ये जो कंडीशंस है इसे बोला जाता है मॉड, ऐसे मॉड ऐसे लिखते हैं, ओके कन्फर्म हो, 11 नहीं है, कोई भी चीज़ हुआ इसे ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ये हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये निकाल रहे थे ये वाला ए डी सी इक्वल टू 3, इक्वल टू हमारा आता है 3 स्क्वायर, लिख लीजिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आपका आता कितना है हमारा 3 स्क्वायर यूनिट, आप स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हो एज योर विश, कितना अच्छा बात है ना, अपने मन पर निर्भर हुआ है ना। अब यहाँ पे फटाक से हम लिख क्या लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इक्वल टू हमारा आया है 3 स्क्वायर यूनिट, इतना कन्फर्म हो जाओ। अब हमें ए डी सी तो निकाल लिए, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालते हैं, ए बी डी अगर ये भी 3 आ जाता है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो हमारा ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा, ओके तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम निकालते हैं ट्रायंगल ए बी डी की वैल्यू। तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि सेकंड पार्ट क्या होता है अपना, सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो केस सेकंड, सेकंड केस लिखिए या फिर मेथड लिखिए, प्रोसेस लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, समथिंग्स, आज सब कुछ अपने ऊपर है मेरा, ओके। तो सेकंड केस में हम देखते हैं होगा क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ए बी डी निकालते हैं, अभी तो हम ए डी से निकाल लिए, अब निकालेंगे ए बी डी, होगा क्या हाफ यक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये हो जाता है पोजीशंस, इतना फार्मूला। अब इन ट्राइंगल ए बी डी में तो a इक्वल टू b इक्वल टू एंड d इक्वल टू, a इक्वल टू हमारा कन्फर्म हो चुका है, निकाला गया बच्चों 4 कामा माइनस 6, b इक्वल टू 3 कामा माइनस 2 और d की वैल्यू 4 कामा 0, ये 0 है, ओके। अब हम इसे ले लेते हैं x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 बच्चों एंड ये x3 y3, कितना कन्फर्म हो चुका। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूला में रख देते हैं, इम्प्लाइज दैट हाफ कर दिए एंड ये यक्स वन, यक्स वन की वैल्यू हमारी है 4, 4 कर दिए एंड वाई टू, वाई टू हमारी माइनस 2, मतलब ब्रेकेट लगा दिए माइनस 2, बीच में माइनस है, वाई थ्री की वैल्यू बच्चों देख लेते हैं 0 है, मतलब ब्रेकेट क्लोज, फिर यक्स टू की वैल्यू देखेंगे 3 है एंड वाई थ्री की वैल्यू हमारा बच्चों 0 माइनस है, माइनस वाई वन की वैल्यू हमारा 6 है, तो ये हमारा हो जाता है माइनस 6, माइनस 6 है। फिर यक्स थ्री की वैल्यू हम देख लेते हैं 4 है, प्लस 4 कर दिए एंड वाई वन की वैल्यू हमारा माइनस, ये हो जाता है माइनस 6, हाँ सही है माइनस 6 हो गया, बीच में माइनस है, वाई टू की वैल्यू हमारी हो जाती है ये भी माइनस 2 में, तो ये ब्रेकेट सारे के सारे क्लोज, इम्प्लाइज दैट हाफ हो गया 4, ये माइनस 2, माइनस 0 से कोई कन्फर्म नहीं है, 3 हो गया, 0 कुछ भी नहीं, माइनस माइनस प्लस यानी सी प्लस 6, 6 हो गया प्लस 4, ये हुआ माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2, ओके बच्चों।
आगे हम मेथड करेंगे हाफ, चार दुनिया आठ प्लस माइनस छत्तीस, अट्ठारह प्लस फोर, ये हो जाएगा सब्सक्राइब होकर के माइनस फोर। इम्प्लाइज दैट हाफ हम ये कर लेंगे माइनस एट प्लस एटीन प्लस माइनस प्लस माइनस चार चौ सोलह, तो ये बच्चों हो जाएगा हाफ। 18 में 8 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाता है 10, पॉजिटिव में भी 10 माइनस 16, तो आगे के मेथड में 1 बाई टू माइनस सिक्स बचता है माइनस थ्री के टेबल में। इम्प्लाइज दैट हम लिखते क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं बच्चों, ये आ गया है माइनस थ्री, जो कि मॉड हम मॉड अगर मॉड में रख देते हैं तो ये पॉजिटिव होकर के सिर्फ तो सिर्फ पॉजिटिव थ्री आ जाता है। कहने का मतलब है इसका भी मेथड एंड इसका भी मेथड, ये भी हमारा आ जाता है थ्री स्क्वायर यूनिट, ये भी हमारा आ गया है थ्री स्क्वायर यूनिट। लिखेंगे क्या बच्चों, स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। नाउ हेंस की कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि लास्ट में अंततः कि क्या होता है कि ए मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल, हम लिखेंगे क्या कि ए मेडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ए मेडियन ऑफ ए ट्राइंगल लिखेंगे क्या, डिवाइड्स इफ इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, हेंस प्रूवम हो चुका, ये कंडीशंस आपकी हो गई हेंस प्रूव की। कुछ भी नहीं करना था बच्चों इसमें, सिर्फ तो सिर्फ आपको फाइंड क्या करना था, निकालना यही था बच्चों कि आप इन दोनों ट्राइंगल हैं उसमें मेडियन एक पॉइंट्स बनाएंगे जो कि इसके वर्टिसेस सारे दिए जा चुके हैं, और आपस में इन दोनों ट्राइंगल्स को दो के दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल ले आना है, तो ए बी डी एंड ए सी डी दोनों के दोनों थ्री आपके स्क्वायर यूनिट आए हैं, तो इट्स करेक्टली ये हमारा कंडीशन हैज प्रूव। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आएंगे, बने रहेंगे तो साथ साथ नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपको बेस्ट ऑफ लक की बात होगी बच्चों। एक्सरसाइज 7.3 का आज क्लास हो चुका, एंड नेक्स्ट पॉइंट्स में एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल वीडियो है वो पढ़ने वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ नोट्स की लिंक दी जा चुकी है जिस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं, मनचाहा वीडियोस पा सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट डे।